उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्रीय ज्ञापन उपमंडल आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पंचायत राज विभाग के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन जियो सेफिंग बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति से मुक्त किया जाना चाहिए। जनपद संभल में उक्त विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की ऑनलाइन से हाजिरी ली जा रही है। जनपद संभल में बायोमेट्रिक निरस्त किया जाना चाहिए। उक्त विभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को ग्राम प्रधान व सहायक विकास अधिकारी द्वारा वेतन सत्यापित किया जाता है। समस्त सफाई कर्मचारियों को ग्राम प्रधान के चंगुल से मुक्त किया जाए। पंचायत राज विभाग के अधीन जनपद मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर के माननीय के आवासों पर उनकी चाकरी कर रहे सफाई कर्मचारियों को व उच्च अधिकारियों की कोठियों पर उनके व्यक्तिगत कार्य कर रहे समस्त सफाई कर्मचारियों को उनकी तैनाती के सम्मुख तत्काल भेजा जाए, जिससे कि ग्रामीण अंचल की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। पंचायत राज विभाग के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों को जियो ऑनलाइन सेफिंग बायोमेट्रिक के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। यदि ऐसा है तो उक्त विभाग में व उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत समस्त राज्य कर्मचारियों को जियो ऑनलाइन सेफिंग बायोमेट्रिक से अन्य राज्य कर्मचारियों को भी जोड़ा जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से कमल सिंह, जसपाल सिंह बाल्मीकि, आशीष सोरी, विनेश कुमार राही, सतपाल सिंह बाल्मीकि, अजय राजपूत, अमरजीत सिंह काका आदि लोग मौजूद रहे। इसमें इस प्रकार से प्रदेश में लाखों राज्य कर्मचारी पंचायत का सफाई कर्मचारी इतना दबा कुल्ला कर्मचारी बना दिए इन लोग। इसको बायोमेडिकल मेडिकल में मजदूर कर रहे हैं लोग जो विरुद्ध है। पेरोल ग्राम प्रधान के द्वारा वेतन हमें आयोजित किया जाता था। उन्होंने व्यवस्था लागू कर दी। उक्त विभाग में एडीओ पंचायत भी है, जिला पंचायत अधिक हैं और भी अन्य विभाग के कर्मचारी हैं, परंतु ये व्यवस्था कहीं गई क्योंकि एक छोटा सा कर्मचारी समाज में ये थोप दिया गया। क्या मांग करना है? मांग ये करना चाहते हैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ मैं कि इस व्यवस्था को तत्काल की ग्राम अंचल के हम लोग कर्मचारी हैं, समूह के द्वारा हम लोग काम कभी ऐसा होता है, समूह के द्वारा हमसे काम किया लिया जाता है। 10 कर्मचारी वहाँ 10 वहाँ इस प्रकार से बहुत बड़ी न पैदा हो जाएगी कर्मचारी के सामने। प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्राम पंचायत सेवक संघ का प्रदेश अध्यक्ष, आज माननीय मंडल अभियुक्त जी को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है, जिसमें पंचायत राज विभाग के 1,08,000 सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी से मुक्त रखने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित माननीय मंडल अभियुक्त द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया। उसमें विशेष मांग की गई है कि हमारे 2008 में 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जो कि अनपढ़ और शासक केवल भर्ती की गई, जो ऑनलाइन मोबाइल चलाना नहीं जानते, उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी ऑनलाइन केवल पंचायत राज विभाग के सफाई केयरटेकर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यचारी विभागों में काफ़ी ऑनलाइन अटेंडेंस का प्रावधान नहीं किया गया। उसका संगठन द्वारा हम विरोध करते हैं कि छोटा कर्मचारी होने के नाते उसे जो है ऑनलाइन हाजिरी से मुक्त रखा जाए, क्योंकि पंचायत कार्यालय 10 बजे खुलता है और कर्मचारी की हाजिरी 8 बजे मांगी गई है। इस वजह से कर्मचारी काम करने में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होगी, इसलिए हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि 2008 से जैसे सुचारू रोस्टर के अनुसार हम सफाई कार्य कर रहे हैं, नियमित रूप से कार्य करते चले जा रहे हैं और मौखिक आदेश पे उच्च अधिकारी का जहां जहां निरीक्षण होता है वहां टीम बनाकर हमारा सफाई कार्य हम लोग लगन और मेहनत से कार्य करते हैं। और बहुत बड़ी विडम्बना है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि जो कर्मचारी अन्य विभागों में अधिकारियों के आवासों पर सेवा दे रहे हैं बिना शासनादेश के अनुरूप, उन्हें हटाकर तत्काल मूल तैनाती पर सफाई कार्य लिया जाए। यह हमारा संगठन कठोर विरोध करता है कि जो 20% कर्मचारी हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में 15,000 कर्मचारी ऐसे होंगे जो अपना सफाई कार्य न करके उच्च अधिकारियों के फाल वर्ग की सेवा कर दे रहे हैं। क्या चाहते हैं फिर आप? हम ये चाहते हैं कि संगठन की एक मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय निर्देशक महोदय द्वारा आदेश किया गया, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि सफाई कर्मचारियों केवल सफाई कार्य लिया जाए, जिससे स्वच्छ भारत का सपना साकार किया जा सके और उससे मूल सफाई कार्य लिया जाए, सफाई कर्मचारियों को शोषण से निजात मिली जाए।